सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड नैनोज. सो वी आर डूइंग कॉन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स. सो इन द प्रीवियस वीडियोज वी हैव ऑलरेडी डन दीज रिएक्शन. तो प्रॉब्लम क्या है, वेन वी आर यूजिंग डी अरेबिनोज और उसके हम कल्याणी फिशर सेंसेस परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास ये दोनों कार्बोहाइड्रेट आते हैं विच आर एल्टो हेक्सोज. वन इज ग्लूकोज, अनदर इज मैनोज. प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनकी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं तो जो दोनों एसिड्स बनते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव रेदर देन बाकी सारे एग्जाम्पल्स में. क्या आ रहा है कि हमारे पास एक ऑप्टिकली इनएक्टिव एसिड है और एक ऑप्टिकली एक्टिव एसिड है. सेम प्रॉब्लम डी ग्लूकोज और डी आइडोज में भी आ रही है, बोथ नेगेटिव आइसोमर. तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, सो फॉर दिस वी आर टेकिंग एल पॉजिटिव ग्लूकोज. तो इसमें हमने क्या किया है, वी आर टेकिंग डेक्सट्रोज. तो जैसे ही डेक्सट्रोज में हम C1 और C6 की पोजिशन इंटरचेंज करते हैं तो हमने डी जो एल पॉजिटिव ग्लूकोज है इसको क्यों चूज किया है कि जब हम इसमें भी वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं लाइक किलियानी फिशर सिंथेसिस और उसकी ऑक्सीडेशन वगैरह सब कुछ परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक्चुअली इस केस में भी सेम डाई एसिड बनता है जो कि ग्लूकोज के केस में है. सो जो एल पॉजिटिव ग्लूकोज है जब हम इसकी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास सेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जो कि डेक्सट्रोज से बनता है. नाउ क्योंकि ऑक्सीडेशन जब होती है जब हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो सिर्फ टर्मिनल ग्रुप्स जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होती है. इसका मतलब ये है कि दोनों कंपाउंड्स में क्योंकि टर्मिनल एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, इट मीन्स कि जो डी प्लस ग्लूकोज यानी कि जो हमारा डेक्सट्रोज है और एल पॉजिटिव ग्लूकोज है इनकी बाकी चार कार्बन एटम्स पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या होगी, सेम. दैट मीन्स ये दोनों जो एल्डो हेक्सोजेस हैं इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ किस चीज पर होगा, पोजिशन ऑफ CHO एंड CH2OH. सो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अपना डी पॉजिटिव ग्लूकोज लिया, C1 और C6 की पोजिशन इंटरचेंज की. तो जब हम C1 और C6 की पोजिशन इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास एक नया कार्बोहाइड्रेट होगा दैट विल बी एल पॉजिटिव ग्लूकोज. अब मैनोज के केस में क्या होता है कि जब हम इस तरह से पोजिशन इंटरचेंज करते हैं ये दोनों कार्बन्स की तो हमारे पास कोई डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता, रेदर देन हमारे पास सेम ही कंपाउंड बन रहा है दैट इज मैनोज. सो वट वी विल डू, हमने दो कंपाउंड लिए ग्लूकोज और मैनोज. हमें नहीं पता कि कौन सा ग्लूकोज है कौन सा मैनोज है तो हमने दोनों की ऑक्सीडेशन परफॉर्म की थी, हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना. सिमिलरली हमने एल पॉजिटिव ग्लूकोज लिया उसकी ऑक्सीडेशन परफॉर्म की, उसके केस में भी हमारे पास सेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना. तो वट वी विल डू, जो दो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सेम बनेंगे जैसे कि एल पॉजिटिव ग्लूकोज है और डी पॉजिटिव ग्लूकोज है तो जो अरेंजमेंट इसमें होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें होगी बाकी चार कार्बन की वही डेक्सट्रोज के केस में होगी. सो हियर वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो हमारा डेक्सट्रोज और मैनोज है उसमें हम ये जो प्रीवियस मेथड है उससे कॉन्फिगरेशन नहीं बता सकते, उसके लिए वी नीड हेल्प ऑफ एल पॉजिटिव ग्लूकोज. और एल पॉजिटिव ग्लूकोज कैसे बनता है, जैसे ही हम डेक्सट्रोज में इन कार्बन नंबर 1 और 6 की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एल ग्लूकोज.